अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अपने अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, वह आपका ऑनलाइन लेक्चर्स फर्स्ट टर्म के स्टार्ट हो चुके हैं। होप कि आपने बुक्स और कॉपीज़ परचेज़ कर ली होंगी। तो जिन्होंने परचेज़ कर लिया, वो उनका जो वर्कआउट है साथ साथ चलता जाएगा। जिन्होंने नहीं परचेज़ की, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उनके लिए ये आपको मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द बुक्स और कॉपीज़ परचेज कर लें, ताकि आप भी साथ साथ अपना वर्क जारी रख सकें, कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है, जैसे कि हमने कहा था, फर्स्ट यूनिट जो होल नंबर का हमने स्टार्ट किया है, उसमें एक्सरसाइज में डायरेक्ट आ जाते हैं। मैंने आपको लास्ट में प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल और पाकिस्तानी वैल्यू चार्ट के बारे में बताया था। आई होप कि आपने उसको याद कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 9 पर है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमेरल्स, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। ये आपके पास अल्फ़ाबेट की फॉर्म में मौजूद है, तो आपने इसको नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैं राइट करवाऊँगा, और डी और ई इसका जो पार्ट है वो आपको होमवर्क में दूँगा, ताकि आपकी भी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको कल लास्ट लेक्चर में इंटरनेशनल प्लेस वैली चार्ट और पाकिस्तान प्लेस वैली चार्ट के बारे में बताया था, यहाँ से आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट है। पेज नंबर 9 एक्सरसाइज 1.1 से राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमेरल्स। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है 2,60,02,044। अब इसमें हमने पहले ये तयन करना है, ये बात का हमने अंदाज़ा लगाना है कि ये इंटरनेशनल प्लेस वैली चार्ट है, ये पाकिस्तानी प्लेस वैली चार्ट है। ये करोड़ का वर्ड्स यूज़ हुआ है, तो ये प्लेस पाकिस्तानी प्लेस वैली चार्ट है। तो इसमें सबसे पहले आपने स्केच बना लेना, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 10,000,000, 10,000,000, 10,000,000। ठीक है, आपने वो स्केच जो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, आपने वो जो याद किया हुआ है, उस तरह आपने इसको बना लेना। अब इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या है? अब यहाँ पर 2 करोड़ लिखा है, तो करोड़ के नीचे 2 लिख दिया, 60 लाख। अब 6, नॉट अ 6, इट्स अ 60 लाख। 60 लाख होगा तो आपके ये 2 पोर्शन है, तो इसमें कवर हो जाएगा, 60 लाख आ गया। उसके बाद है 2,000, नॉट अ 10,000, सिर्फ 2,000 बोला है। ठीक है, 1,000 में आपकी वैल्यू आएगी, या 1,000 में आपने सिर्फ 2 लिखना है, बाकी 10,000 में कुछ नहीं लिखना, वो 0 लिख देना है। जब आपको कोई चीज़ नहीं दी जाएगी, यानी कि कोई आपका प्लेस वैल्यू चार्ट में डिजिट नहीं आता होगा, तो आपने उसमें 0 लगा देना। अब ये 2,000 था, हमने इसको फिल किया, तो बाकी को कवर अप करने के लिए इसको 0 लगाना ज़रूरी है। एंड 44, तो लास्ट पर जो है 10 और 1 में 44 आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, 2,60,02,044। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ लगी हो। सेकंड जो है बी पार्ट, उसमें है 1,007,103। 1,000,000 मतलब इंटरनेशनल प्लेस वैली चार्ट है, तो मैंने पहले इंटरनेशनल प्लेस वैली चार्ट लिख लिया, टेबल बना लिया। आपने भी इसी तरह प्लेस वैली चार्ट बनाना है। इसको बहुत से तरीके सॉल्व करने के लिए किए गए, लेकिन ये बेस्ट तरीका है जिसमें आपको प्लेस वैली चार्ट अच्छी तरह याद हो जाएगा। ठीक है, अब 1,000,000 में 1 लिख दिया, 7,000 सिर्फ 1,000 बोला है, इसमें ये भी, इसमें भी कुछ नहीं आता, इसमें भी कुछ नहीं आता, सिर्फ इसमें 1,000 में 7 आएगा, बाकी 2 में 0 लगा देंगे हम। क्लियर, उसके बाद है 100, यानी कि 100 में एक ही 100 था, 100 में 1 आ गया। एंड 3, अब ये 3 जो है अकेला 3 वर्ड लास्ट में आ जाएगा, उसके दरमियान में हम टेंस वाले में 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारी वैल्यू कंप्लीट हो जाती है। 1,000,000 पढ़ना कैसे इसको, 1,007,103। क्लियर, तो लास्ट जो सी पॉइंट है, सी हमारा पार्ट है, 6,75,01,005। 6 करोड़ यानी करोड़ के टेबल, करोड़ के बॉक्स में 6 आ गया, 75 तो 75 लाख आ गया, 1,000 की वैल्यू में 1 आ गया, 1,005 जस्ट 5, तो 5 तो लास्ट पर लगता है 1s पर, तो इसके दरमियान में जो भी आपके पास बॉक्सेस आएंगे उसमें आप 0 लगा देंगे। आई होप कि आपको ईजिली समझ लगी होगी कि प्लेस वैली चार्ट किस तरह फिल करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अगर इस वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं। वो आपने डिसाइड कर लेना है कि पाकिस्तानी प्लेस वैली चार्ट है या इंटरनेशनल प्लेस वैली चार्ट है। जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसके मुताबिक आपने प्लेस वैली चार्ट बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 का डी और ये आपने होमवर्क करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।